नमस्कार, मैं डॉक्टर आशी जैन आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे उन उपायों के विषय में जिससे कोरोना से बचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो चीज़ें होंगी, ये सारी की सारी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखेगी। और हम जानते हैं कि अगर इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी तो कोरोना से बचा जा सकता है। तो देखिए, जब भी जिंक का यूज़ होगा, जब भी विटामिन सी का आप यूज़ करेंगे और विटामिन डी का यूज़ करेंगे, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और इम्यूनिटी के अच्छे होने के कारण आप इससे बच सकते हैं। तो अब ये जानते हैं कि ये मिलता किस में है। देखिए, जो जिंक है वो मिलता है काजू में, बादाम में, अखरोट में, नारियल में और नींबू में। और अगर हम इन चीज़ों का अपने खान पान में यूज़ कर ले तो जिंक की भरपाई हो जाएगी, जिंक की सही मात्रा हमारे शरीर में बनी रहेगी। और इसके बाद बात आती है विटामिन सी की। तो जितने खट्टे फल है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, और जो सिट्रस फ्रूट होते हैं इसमें, जैसे कमरस और ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि इस मौसम में नींबू और संतरा, यही अगर आप अच्छे से लें। और तीसरी चीज़ है आपके गुलाब की पंखुड़ियाँ, गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ, मतलब रोज़ पेटल्स, अगर इसको हम यूज़ कर लें तो विटामिन सी का जितना डेली रिक्वायरमेंट है वो हमको अच्छे से मिल जाएगा और उसके बाद इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो रोज़ पेटल का कैसे यूज़ करेंगे? नींबू तो आप जानते ही हैं कि खाने में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, 3 से 4 बूंद, 5 से 10 बूंद, ज़्यादा मत यूज़ कीजिएगा, इतना ही कीजिएगा। संतरा 1 या 2 आप दिन में ले सकते हैं। और रही बात हमारे इस रोज़ पेटल की, तो इसके विषय में मैं बता देती हूँ कि 3 से 4 अगर आप गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ रोज़ खा लें और 5 मिनट के बाद अगर पानी ऊपर से 1 घूंट पी लें, या अगर मान लीजिए आपको इसका स्वाद पसंद नहीं है, तो अगर आप 1/4 चम्मच से लेकर आधे चम्मच तक अगर दिन में एक बार गुलकंद खा लें और उसके ऊपर से थोड़ा सा दूध पी लें, गुनगुना सा दूध पी लें, तो उससे भी आपकी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये कीजिएगा। इसके साथ कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि अगर आप मीठे नीम का बघार लगाते हैं सब्जियों में या दाल में, तो उससे भी बहुत अच्छी इम्यूनिटी रहती है। साथ ही साथ इस मौसम में अगर आप सरसों या राई, जिसे हम कहते हैं मस्टर्ड सीड जिसे कहा जाता है, अगर इसका यूज़ करेंगे तो भी आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। अगर खाने में कुछ बूंद अगर हम सरसों तेल का यूज़ कर लें, या ऐसे ही उसे 3 या 4 बूंद अगर हम कंज्यूम कर लें, तो भी शरीर की अग्नि यानी फायर बढ़ जाएगी। और क्योंकि आयुर्वेद हमारा ऐसा मानता है कि फायर जब बॉडी में सही रहती है, अग्नि जब सही रहती है, तो ओज सही रहता है, और ओज ही जो है वही इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम ऐसी चीज़ों का यूज़ कर ले जो कड़वी है, जो हल्की सी खट्टी है, थोड़ी सी तीखी है, थोड़ी सी गर्म है, तो इम्यूनिटी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो इसका यूज़ कीजिएगा। इसके साथ जो मुनगा होता है और मुनगे की जो भाजी होती है, अगर इसको आप कंज्यूम कर लें, अगर आप खाने लगें, तो भी आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो ये यूज़ कीजिएगा। अब बात आती है विटामिन डी की। तो विटामिन डी आप जानते हैं कि दूध में होता है, तो दूध लीजिए। साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा जिसमें विटामिन डी होता है वो मैं आपको बता दूँ, ऐसे तो दूध का हम प्रयोग करते ही हैं विटामिन डी के लिए, लेकिन दूध से भी ज़्यादा, या कहूँ इसमें ही विटामिन डी होता है तो कुछ गलत नहीं होगा। तो जब हम दूध को बॉईल करते हैं तो जो ऊपर झाग आता है, इस झाग में विटामिन डी, या जो फेन हम कहते हैं दूध का, इसमें विटामिन डी काफ़ी होता है। इसको अगर हम 1 चम्मच लेने लगे अपने दूध के साथ, तो बहुत ही अच्छे से आपको विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन मिल जाएगा। और धूप में बैठना, ये तो आप जानते ही हैं। साथ ही साथ घी या बटर का उपयोग अगर आप खाने में करें, तो भी विटामिन डी की मात्रा आपको सही मात्रा में मिलती रहेगी। तो ये कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं एक यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा प्रिकॉशन बता देती हूँ कि अगर आप घी या बटर का खाने में यूज़ करते हैं, तो ऊपर से तुरंत पानी ना पिए, अदरवाइज़ वो घी या बटर ही आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा, आपकी ख़राब सेहत का कारण बनेगा। तो ये मत कीजिएगा, घी और बटर का ज़रूर यूज़ कीजिएगा खाने में, तो इससे आपको विटामिन डी की मात्रा मिलते रहेगी। इसके बाद कुछ एक चीज़ें और मैं बता देती हूँ जिससे आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता में बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी होगी, बहुत अच्छी इम्यूनिटी आपकी बनी रहेगी। तो देखिए, आप ये कीजिएगा कि आप जब भी नहाने के बाद, या फिर दिन में जब भी आपको याद आ जाए, आप ये ज़रूर कीजिएगा कि 1 से 2 बूंद नाभि के चारों तरफ और नाभि में बहुत हल्की सी मात्रा में, इस उंगली से, ये जो आपकी अनामिका उंगली होती है ना, रिंग फिंगर होती है, इसके टिप से अगर आप सरसों तेल लगा ले आपके बेली बटन या नाभि में, तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो नाभि में 1 बूंद सरसों तेल हमने लगाया बहुत हल्की सी मात्रा में लेके, और नाभि के चारों तरफ सरसों तेल लगाया, और प्लस नीचे के जो पूरे आपके पैर हैं
पैर से लेकर तलवे तक का जो पूरा एरिया है, अगर हम उसमें हल्के से मात्रा में सरसों तेल को लेके लगा लें, दिन में 1 से 2 बार लगा लें तो भी चलेगा, तो भी आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। कारण अब आप समझ ही चुके हैं कि बॉडी में अगर फायर रहेगा, हीट सही मात्रा में रहेगी तो इम्यूनिटी बनी रहेगी, तो इसलिए इसको कीजिएगा। जब आप इन चीज़ों का यूज़ करेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो विटामिन सी, जिंक और विटामिन डी का यूज़ करें, और इन सारी चीज़ों का यूज़ करें, मीठा नीम का यूज़ करें, रोज़ पेटल्स का यूज़ करें, खाने में हाँ काली मिर्ची का यूज़ करना, ये भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत कारगर होता है। जब आप ये सारी चीज़ों का यूज़ कर लेंगे, सरसों तेल का को मालिश कर लेंगे, सरसों तेल का यूज़ कर लेंगे, कुछ ड्राई फ्रूट शामिल कर लेंगे अपने खान पान में, तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और एक सबसे बड़ा कारण मैं आज आपको बता देती हूँ जिससे इम्यूनिटी आपकी ख़राब होती है, तो अगर इससे बच जाएंगे तो भी आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता सही हो जाएगी। वो ये है कि जब भी हम इनडाइजेशन करते हैं, जब भी हम अपच कर लेते हैं, या बहुत ज़्यादा हमारी पेट की जो अग्नि है वो मंद हो जाती है, तो भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो ओवर ईटिंग बंद करना चाहिए, और साथ ही साथ अंडर ईटिंग भी बंद करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही इम्यूनिटी ख़राब करती है। तो सही मात्रा में खाएं, बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ ना करें, और ऐसा भी ना करें कि बहुत ज़्यादा एकदम लाइट लाइट खा लें, क्योंकि मैंने कहा ना कि अग्नि भी बढ़ानी जरूरी है। तो इसीलिए सही तरीके से सही मात्रा में मसालों का यूज़ करें, सही मसालों का यूज़ करें, और अपनी इम्यूनिटी को बनाएं, और स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी ये सुने वो इसे यूज़ करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए कोरोना से बच सके। धन्यवाद, नमस्ते।